हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सोनी STV IV 300 को टाटा स्काई के द्वारा जो है ऑप्टिकल केबल से कैसे जोड़ा जाता है। जी हाँ, सोनी STV IV 100 आपको पता ही होगा कि 5.1 चैनल है और डॉल्बी डिजिटल है, तो डॉल्बी डिजिटल साउंड के लिए जो ऑप्टिकल केबल का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त पीयूष, कृपया ये वीडियो अंत तक देखें और अगर पसंद आती है तो शेयर और लाइक करें। ये है टाटा स्काई सेटअप बॉक्स। ये टाटा स्काई सेटअप बॉक्स है, इसको मैंने ऑन कर दिया है। इसको ऑन करके ही रखना पड़ेगा आपको, और इसके आप अगर पीछे देखेंगे तो आपको इसमें कनेक्शन के ऑप्शंस आएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको इसके अंदर। और इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है ऑप्टिकल PDIF। ये ऑप्टिकल PDIF का है, और ये लीजिए, ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये देखिए, ये फाइबर की है और ये ऑप्टिकल लीड है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है आपको, और इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा ये आपको आज मैं बताऊंगा। देखिए, ये ऑप्टिकल केबल है, ये ऑप्टिकल केबल को कैसे इसमें कनेक्ट किया जाए। सिर्फ आपको इस ऑप्टिकल केबल को, जो ये लाल रोशनी दिखाई दे रही है आपको, ये जो लाल रोशनी दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये लाल रोशनी जो दिखाई दे रही है आपको, हाँ ये लाल रोशनी जो है, ये जो है इससे आप कनेक्ट करेंगे। इसको सिर्फ ऐसे करके कनेक्ट करना है आपको, ये इससे ये कनेक्ट हो गया। और ऐसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं तो उसका जो दूसरा सिरा है उसमें लाइट आने लगती है। ये देखिए, ये ऑप्टिकल लाइट है, ये ऑप्टिकल लाइट है। और इसको अब मैं सोनी STV 300 को पीछे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए, अब इसमें आप जो ऑप्शन देखेंगे, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सोनी STV 300 के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन, जो सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा आपका वो होगा ऑप्टिकल डिजिटल। इसमें ऐसा लिखा हुआ है ऑप्टिकल डिजिटल, ये ऑप्टिकल डिजिटल, ये जो इसमें लाल रोशनी निकल रही है, इस ऑप्टिकल डिजिटल केबल को, केबल आपको जो है इससे कनेक्ट कर देना है ऐसे। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसको सही डायरेक्शन में आपको इसको कनेक्ट करना है। और अब ये इससे कनेक्ट हो गया है, और अब जो है इसको मैं सीधा कर देता हूँ। बस दोस्तों, अब ये HDMI सोनी IV 300 टाटा स्काई से ऑप्टिकल के द्वारा जुड़ चुका है और कनेक्ट हो चुका है। और अब मैं आपको बताऊंगा इसकी साउंड क्वालिटी किस तरीके से आएगी, आपको साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ऑप्टिकल केबल को टाटा स्काई से मैंने कनेक्ट किया है, और कनेक्ट करके जो साउंड क्वालिटी आपको मिलती है वो 5.1 चैनल साउंड क्वालिटी मिलेगी आपको इसमें, डॉल्बी डिजिटल प्रो, डॉल्बी डिजिटल के साथ। डॉल्बी डिजिटल एक्चुअली पूरी सराउंड साउंडिंग होती है जो आपके हॉल के अंदर चारों जगह आती है। तो मैंने इसको ऑप्टिकल केबल को इससे कनेक्ट करके मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, ये इससे ऑप्टिकल कनेक्ट केबल जो है कनेक्ट हो गई है। ये आपका सेटअप बॉक्स है, और ये आपका सोनी STV 300 है, तो इससे ये कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कनेक्टिविटी होती है, इसमें HDMI पोर्ट भी आता है, आप इसको चाहो तो HDMI पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप ऑप्टिकल केबल लगाते हैं तो आपको ट्रू डॉल्बी डिजिटल साउंड इसमें मिलता है। तो आइए सर, आइए मैं आपको बताता हूँ और सुनाता हूँ कि सोनी STV 300 का ऑप्टिकल केबल के द्वारा किस तरीके से साउंड आता है। ये देखिए, मैंने एक ये MTE बीट्स लगा के रखा हुआ है एक्चुअली मैंने, क्योंकि ये SD है, SD के अंदर ही ट्रू साउंड क्वालिटी आपको मिलती है इसके अंदर, तो इसलिए आपको इसके ट्रू क्वालिटी भी लगाना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं ऑडियो इसका ऑन कर रहा हूँ और आप देखिएगा क्या साउंड आता है इसका। ये देखिए, I'm not afraid of the dark.
होम थिएटर की पूरी सेटिंग करके रखी है, आप देखिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा क्या क्वालिटी आई है इसके अंदर साउंड की, दिस इज़ बेस्ट क्वालिटी। आपको अगर ऑप्टिकल केबल लगाएंगे तो आपको इसके साथ बेस्ट क्वालिटी मिलेगी साउंड की। ये 5.1 चैनल है और आपका ट्रू डॉल्बी डिजिटल प्रो है ये। देखिए आप, फिर से मैं आपका साउंड खोलता हूँ और फिर आप देखिए। फिर से